हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इस चैनल पर आप नई वीडियोस आया करेंगी रिलेटेड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवीज, इंग्लिश, हॉलीवुड, बॉलीवुड, लॉलीवुड, टॉलीवुड और सुपर हीरो मूवीज, सुपर हीरो ओरिजिन मूवीज, सुपर हीरो लाइक ऑल काइंड्स ऑफ सुपर हीरो, कुछ भी। तो यूजली जो सुपर हीरोज होते हैं वो कॉमिक्स से ड्रिवन होते हैं। तो हमारे पास जो बेसिक कॉमिक मूवीज आती हैं, एक मार्वल और एक डीसी। स्टार्ट करते हैं डीसी की साइड से, क्योंकि डीसी पे इतनी ज़्यादा अच्छी मूवीज़ नहीं आई हैं, इसलिए उसके बारे में बात करते हैं। और डीसी में जो सबसे ज़्यादा हाइप वाला करेक्टर है वो एक ही है, यस, बैटमैन। बैटमैन करेक्टर पे काफ़ी सारी मूवीज़ आई हैं, लेकिन इसकी ओरिजिन स्टोरी एक ही है। वेल बेसिकली बैटमैन के बारे में ये है कि वो अमीर है, उसके माँ बाप अमीर हैं, उसका ख़ानदान सारा अमीर है, उसके पास बहुत सारा पैसा है, उसके पास टैक्स हैं, उसके पास उसकी अपनी कंपनी है, उसके पास वो सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर हैं। मतलब जो कुछ आप सोच सकते हो बैटमैन के पास है, सिवाय किसी सुपर पावर के। वैसे उसने मूवी में अपनी सुपर पावर तो बताई थी। What are your superpowers again? I'm rich. बैटमैन के कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा बिल्ड किया है, इवन कि क्रिस्टोफर नॉलन ने इस पर 3 पार्ट बनाए हैं और बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की स्टोरी उसने शो की है। लेकिन उसकी मूवी में कुछ प्लॉट होल्स हैं जो कि अगली किसी वीडियोस में डिस्कस करेंगे। फिलहाल बैटमैन की ओरिजिन स्टोरी पर बात करते हैं। बेसिकली बैटमैन को बैट से डर लगता है। बैटमैन जो बैट है खुद, उसको बैट से डर लगता है। इसलिए जब थॉमस वेन और मार्था वेन उसको साथ लेके जाते हैं सिनेमा में मूवी दिखाने के लिए, तो मूवी में उसे एक सीन में बैट्स नजर आते हैं जिससे वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं। इसलिए उसके पेरेंट्स उसको साथ लेकर सिनेमा से निकल जाते हैं, और साथ में जब गली में मौजूद होते हैं तो वहाँ पे गली का गुंडा आके ठा ठा कर देता है। वेल पॉइंट की बात है कि कोई भी हीरो ओरिजिन होता है तो उसमें माँ बाप को तो मरना होता है, यूजली ऐसे ही होते हैं तमाम तकरीबन, सिवाय एक्वामैन के। वेल हाँ, पॉइंट है। कमिंग बैक टू द स्टोरी, उसके मॉम एंड डैड मरते हैं तो उसके बाद वो डरता है, लेकिन फिर बैट से इंस्पायरेशन लेकर वो बैटमैन बन जाता है। सेंस नहीं बन रहा कोई, चलो व्हाटएवर, अच्छा कैरेक्टर है, बंद रहेगा। लेकिन ऑल्सो अगर यहाँ वो नीचे गिरते और यहाँ पे चूहे मौजूद होते तो क्या वो बैटमैन के बजाय रैटमैन होता? मे बी, हो सकता है। यहाँ पे ओरिजिन स्टोरी में थोड़ा सा झोल सा है कि एक इंसान एक चीज़ से जिसे डरता है उसकी इंस्पायरेशन लेकर वही चीज़ बन जाए। मतलब किसी को अगर कुत्तों से डर है तो वो डॉगमैन बन जाए, मतलब कुत्तों से इंस्पायरेशन लेके। अच्छा वैसे ये चीज़ सेंस नहीं बना रही है। वेल व्हाटसोएवर, क्रिस्टोफर नोलन ने बहुत कोशिश की है कि वो बैटमैन की स्टोरी के ओरिजिन को बिल्कुल क्लियरली डिस्क्राइब कर सके, कि वहाँ से मालूम हो कि बैटमैन आखिर बैटमैन क्यों बना। क्या बैटमैन को बैटमैन बनने का बेसिक पर्पस क्लियर हुआ? बेसिकली हमें किसी की इतनी ओरिजिन स्टोरी, किसी सुपर हीरो की इतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से मालूम नहीं है, सिवाय कैप्टन अमेरिका के। कैप्टन अमेरिका के भी पेरेंट्स को नहीं शो किया गया। व्हाटएवर, अभी डीसी पर हैं तो अभी तक जितनी मेरी रिसर्च है तो उसमें थोड़ा सा झोल है। मजीद क्लियर होंगे तो ये वीडियो मैं आपको मजीद क्लियर कर दूंगा। अभी तक बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर मुझे बैटमैन की स्टोरी क्लियर हो गई तो। नेक्स्ट वीडियो में मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, कमेंट्स एंड शेयर दिस लिंक विद योर फ्रेंड इफ दे हैव देयर ओरिजिन स्टोरी कॉम्प्लिकेशंस एंड व्हाटसोएवर। मैं बैटमैन के बारे में थोड़ी सी सर्च करके आता हूँ, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके?